हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम दिल्ली से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है दिल्ली से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इसके संस्थापक की बात करेंगे तो अनंग पाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। अनंग पाल तोमर का नाम बिलान देव था। दिल्ली के कुछ अन्य नाम भी हैं जैसे इंद्रप्रस्थ, योगनीपुर, कुवत अल इस्लाम, इस्लाम का प्रमुख केंद्र, और बगदाद, द्वितीय बगदाद भी इन नाम से भी पुकारा गया है इतिहास में। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे तोमर वंश के शासक दिल्ली का नाम पर ही, मतलब तोमर वंश का एक शासक था जिसका नाम दिल्ली था और उसका नाम ही, उसके नाम पर ही दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा है। पृथ्वीराज रासो में वर्णित कथा के अनुसार लोह स्तंभ के ढीलीपन से दिल्ली का नाम पड़ा है। अनंग पाल द्वितीय को लालकोट दुर्ग तथा अनंत ताल नामक दिल्ली के प्राचीन जल निकाय कार्यों का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में एक बिजोलिया अभिलेख है 12वीं शताब्दी का, उसमें चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय दिल्ली का यानी दिल्ली जीतने की चर्चा करते हैं। 13वीं शताब्दी में पालम बावली अभिलेख में दिल्ली को उधारा नाम के एक व्यक्ति द्वारा निर्मित बताया गया है। अभिलेख में तोमर एवं चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गौरी से बलवंत तक के सुल्तान तक की सूची को शक कहकर संबोधित किया गया है। कौन से अभिलेख में? पालम बावली अभिलेख में। एक सरबन का अभिलेख है 14वीं शताब्दी का। दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तान को तुरुष्क यानी तुर्क कहकर संबोधित किया है सरबन अभिलेख में। 1192 के तराई के द्वितीय युद्ध के पश्चात जो है दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हुआ और 1193 से भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराई युद्ध में जन्म लिया था और 1226 में पानीपत की रणभूमि में कुछ मील दूरी पर अपनी अंतिम सांस ली थी। डीडी कौशाम्बी जो है राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र और सुल्तान के बदलने के साथ ही तंबू भी बदल जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? डीडी कौशाम्बी ने। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किला ए राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग के चारों ओर निर्मित भवन जो है मेहरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला है। तो मेहरौली जो है वो पहला है। इल्तुतमिश के शासन काल में दिल्ली को हजरत ए दिल्ली यानी प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाने लगा था। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली ए कोहना को अपनी राजधानी बनाई जैसे कुब्बा इस्लाम इस्लाम की शक्ति भी कहा गया है। इस्लामी कहते हैं कि अरब, खुरासान, चीन, बुखारा तथा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया जैसे पतंगे झुंड से झुंड दीपक घेर लेते हैं। तो ये कथन किसका हो जाएगा? इस्लामी का हो जाएगा। आगे है सर्वप्रथम बलवन द्वारा दिल्ली के चारों कोनों में जो है 4 किलों का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम किसके द्वारा? बलवन के द्वारा। अब ये 4 कोनों में कौन से? भोजपुर, पटियाली, कामपिली और जलाली। एग्जाम में पूछ सकता है कि बलवन द्वारा दिल्ली पर चारों कोनों पर कौन कौन से किलों का निर्माण किया गया था? तो ये 4 भोजपुर, पटियाली, कामपिल और जलाली हैं। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में निर्मित सीरी द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई। उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला कुश के सीरी का निर्माण करवाया था जिसमें 7 द्वार थे। बर्नी ने सीरी को शहर ए नौ यानी नौ नगर बताया है। बर्नी ने सीरी को, सीरी किले के अंदर 1000 स्तंभों वाले कस्त्रे हजान सतून नामक एक महल भी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही शहर को पानी पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था? एक लंबा चौड़ा हौज खास, हौज अलाई खुदवाया था। शेरशाह सूरी ने जब दिल्ली में अपना नगर बसाया तो सीरी भवन की सामग्री का उसने भरपूर उपयोग किया था। सीरी मतलब यहाँ पर यह कि शेरशाह सूरी ने, ये तो हुमायूं के समय का है,
तो ये जब आते हैं तो सीरी की भवन की जितनी भी सामग्री थी उसने अपने एक नए नगर को बसाने में लगा दी थी। सीरी के हौज खास एनक्लेव में मौजूद एक दिलचस्प स्मारक अलाउद्दीन खिलजी में बनी चोर मीनार है। अभी ये चोर मीनार क्या है, यहाँ पर जो भी चोरी करता था तो उसके सिर को काटकर इस मीनार के छिद्रों में रख दिया जाता था ताकि लोग देखकर और चोरी ना कर सकें। तो ये था चोर मीनार। कहाँ पर था ये? सीरी जहाँ पर था वहीं पर हौज खास के एनक्लेव में मौजूद है चोर मीनार। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक दीवार का निर्माण किया था सबसे पहले। आगे गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ तुगलकाबाद जो कि तीसरा शहर है, सबसे पहले हमने देखा था कौन सा, सीरी तो दूसरा हो गया, सबसे पहले जो है इल्तुतमिश के द्वारा था। तो यहाँ पर राय पिथौरा सबसे पहला है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, पहला दुर्ग है राय किला ए राय पिथौरा। उसके बाद ये सीरी है, उसके बाद जो है उसके बाद तुगलकाबाद तीसरा है। उसके बाद देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर जो कि चौथा था उसने बनवाया था कहाँ पर, राय पिथौरा और सीरी के बीच में जहां पनाह नगर बसाया था। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक ने के तुगलकाबाद के दक्षिण में एक छोटा सा किला बनाया जिसे आदिलाबाद कहा गया। आदिला का अर्थ होता था न्याय करना, मतलब आदिलाबाद के पूर्व में एक पहाड़ी पर नाई का कोट और धोबी का कोट नामक छोटे गढ़ के अवशेष भी मिलते हैं। तो आदिला का अर्थ हो गया न्याय करने वाला, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर न्याय किया जाएगा। आगे फिरोज तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया था, ये पांचवा नगर था। वर्तमान फिरोज टोकला उसको कहते हैं दिल्ली में, तो ये अभी भी है फिरोजाबाद का, फिरोज तुगलक द्वारा बनाया गया फिरोजाबाद। जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया वहां शेरगढ़िया दिल्ली शेर शाही नगर बसाया जो कि छठवां नगर था। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन कर दिल्ली को मुगल शक्ति में केंद्र बनाया था। फिर दीन पनाह की स्थापना हो जाती है जो कि हुमायूं ने 1533 में करता है। मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू शासक था हेमू, जिसने यहाँ पर शासन किया था। शासन तो बहुत सारे हिंदू ने किया हुआ लेकिन मध्यकालीन भारत का ये प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा था हेमू। 1556 में दिल्ली के राजा सिंहासन पर अधिकार किया और शाहजहां ने शाहजहानाबाद जो कि अंतिम राजधानी थी मुगलों की ये 1638 में यहाँ पर बनाई थी। अब सात नगरों में से देख लेते हैं कौन कौन से था। तो ये थे, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, शाहजहानाबाद, फिरोजाबाद, दीन पनाह, सीरी, जहां पनाह, दिल्ली ये कोना और तुगलकाबाद। अब आगे देखते हैं, लॉर्ड लेक 1 नवंबर 1803 को लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को तहस नहस कर अलीगढ़, दिल्ली एवं आगरा अंग्रेजों के अधिकार को स्थापित कर लेता है। दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने असारुस नादीद की रचना की थी और 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार लगता है। और यहाँ पर ही 1911 में ये तय किया गया कि कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी अंग्रेजों की स्थापित होगी और ये काम क्रियान्वित हुआ 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। आगे देखते हैं हम कुछ दिल्ली के बारे में, मध्यकालीन इतिहासकार क्या कहते हैं। तो अमीर खुसरो कहते हैं हजरते दिल्ली, दिल्ली को ही हजरते दिल्ली कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग रहते बसते थे इसलिए हजरते दिल्ली। दिल्ली ज्ञान और कर्म के सम्मिश्रण के चलते चलते ठीक बुखारा जैसी ही है, जहाँ की राजगीर संगत राज समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से उन्नत थे।
बर्नी कहता है कि दिल्ली बगदाद की ईर्ष्या काहिरा की प्रतिद्वंदी तथा कुस्तुत दुनिया से समकक्ष थी। मंगोलों के कारण आजम इराक व ईरान में फारसी संस्कृति को गहरा धक्का पहुंचता है। जब उसके सभी केंद्रों का अंत हो चुका था तब दिल्ली फारसी परंपरा का अंतिम केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस्लामी कहते हैं कि दिल्ली शहर के प्रत्येक मोहल्ले में एक ज्योतिषी जरूर पाया जाता है। तो ये था कुछ इतिहासकारों का और कुछ दिल्ली के इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।